हेलो एंड वेलकम बैक टू रिव्यू वाली। आज हम आए हुए हैं एमजी मोटर प्रशांत विहार। फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वेयर वी गोना टॉक अबाउट अ फुल साइज प्रीमियम एसयूवी एमजी ग्लोस्टर। ये कॉम्पीट करती है टोयोटा फॉर्चुनर, फोर्ड एंडेवर एंड महिंद्रा ऑल्टोरस से, बट ग्लोस्टर इन सबसे एक्स्ट्रा ही है इन टर्म्स ऑफ साइज, कैबिन स्पेस, सेफ्टी फीचर्स एंड लग्जरी। एंड ग्लोस्टर लेके आती है कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट यूनिक फीचर जैसे कि मसाजिंग सीट एंड कुछ फर्स्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स, एडैस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम विच इंक्लूड ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा इस वीडियो के पार्ट टू में। अब बात करते हैं इस प्रीमियम एसयूवी के बारे में डिटेल में एंड शुरुआत करेंगे फ्रंट से। एक ह्यूमंगस लुक आपको देखने को मिलता है काफी बड़ी सी ग्रिल के साथ। शार्प कर्वी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं बोनट पे, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बात करें हेडलैम्प सेटअप की तो इसमें आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं एंड ऊपर डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती हैं विच वर्क एज टर्न इंडिकेटर ऑल्सो। इसमें आपको एक मिल जाता है लो बीम के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड एक हाई बीम के लिए। मूव करें नीचे तो इसमें हेलोजन फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। सेंटर में एक बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ। क्रोम की स्ट्रिप भी आपको देखने को मिलेगी। एमजी का लोगो देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट कैमरा मिल जाता है 360 डिग्री कैमरे का। नीचे क्रोम ट्रिम मिल जाता है एंड ड्यूअल टोन भी बम्पर देखने को मिलता है और साथ ही इसमें यहाँ एयर वेंट भी देखने को मिलता है। एंड इसमें आपको 6 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड देयर कम्स 6 बिकॉज इट हैज ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस। रियर में भी आपको 6 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स ही देखने को मिलते हैं। साइड में नॉर्मल व्हील आर्क क्लैडिंग देखने को मिलती है एंड हेडलाइट पे फुल एलईडी टैग की बैजिंग मिलती है। अब मूव करें साइड प्रोफाइल पे तो साइड में आपको ह्यूज 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ट्यूबलेस रेडियल टायर्स मिलते हैं विद अ प्रोफाइल ऑफ 255x55R19, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। फ्रंट में आपको ड्यूअल हेलिक्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल जाता है। नॉर्मल साइज की व्हील आर क्लैडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर एयर वेंट का आउटलेट मिल जाता है। ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश के साथ यहाँ एलिमेंट देखने को मिलता है एंड ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग मिल जाती है, जो कि बता रहा है कि एमजे एक ब्रिटिश ब्रांड है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs देखने को मिल जाते हैं बॉडी कलर्ड एंड सिल्वरिश फिनिश के साथ विद LED टर्न इंडिकेटर। नीचे आपको 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर प्रोजेक्शन मिल जाती है मॉरिस गैराजेस की एंड साथ ही यहाँ आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए लाइट भी मिल जाती है। क्रोम में डोर हैंडल्स दिए गए हैं। फ्रंट टू डोर्स पे पैसिव एंट्री का ऑप्शन है। ऊपर सिल्वर कलर में रूफ रेल्स दी गई हैं एंड काफ़ी बड़ी विंडोज़ दी गई हैं। काफ़ी स्पेशियस फील होता है ये कैबिन और एक्चुअली है भी। चढ़ने के लिए फुट स्टेप्स मिल जाते हैं, नहीं इतनी ऊंची गाड़ी है तो ये चाहिए भी। साइड बिडिंग मिल जाती है ब्रश्ड एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ एंड थर्ड रो के लिए भी काफ़ी अच्छी विंडो दी गई है, काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है ताकि उसे घुटन ना हो। एंड 75 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक इनलेट देखने को मिलता है। फुल LED सेटअप में आपको टेल लाइट्स देखने को मिलती है, जिनका पैटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फोर व्हील ड्राइव एंड एडास की बैजिंग मिलती है। एडास इज फर्स्ट इन सेगमेंट सेफ्टी फीचर्स विच मीन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। बीच में टेल लाइट कनेक्टेड क्रोम ट्रिम देखने को मिल जाती है। MG का लोगो, इंटरनेट इनसाइड एंड ग्लोस्टर की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलती है। रियर से भी ये बड़ी ही लगती है। रियर विंडो पे आपको रियर वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है और सनरूफ थोड़ा आगे देखने को मिलती है। ड्यूअल कलर में बम्पर देखने को मिलता है विद पियानो ब्लैक फिनिश एंड प्लास्टिक ब्लैक फिनिश। 6 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं विच हेल्प्स इन ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्टेंस। नीचे सेंटर में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है एंड साइडों में भी रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। स्पेयर व्हील की यहाँ प्लेसमेंट की गई है।
फुल साइज अलॉय स्पेयर व्हील आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ 4-point एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ये फेक लुक दी गई है इसको जो कि काफ़ी अच्छी भी लग रही है। एक्चुअली में ये दो एग्जॉस्ट हैं, इनको 4-point एग्जॉस्ट की फेक लुक दी गई है। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ पर स्विच मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए। बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स के अलावा आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, कॉर्नरिंग लैम्प्स, 6 एयरबैग्स, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, ड्राइवर फटीग रिमाइंडर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑल एंटी पिंच पावर विंडोज, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर एंड मॉनिटर, जियो फेंस अलर्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटर एंड 360 डिग्री कैमरा। तो दोस्तों अगर बात करें इंटीरियर्स की, इसमें आपको ड्यूल टोन कलर का इंटीरियर देखने को मिल जाता है। डोर्स पर भी आपको ड्यूल टोन कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सिल्वर सेटिन फिनिश मिल जाएगी डोर हैंडल्स पर, और उसके यहाँ पर भाई ग्रे कलर में कार्बन फाइबर फिनिश। इसके ऊपर आपको भाई ब्लैक कलर का लेदर मिल जाता है जिसमें स्टिचिंग होती हुई भी दिख जाएगी, मैं दिखा लेता हूँ आपको। नीचे आपको भाई टैन कलर की फिनिश देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल्स और साइड में स्पीकर्स की प्लेसमेंट। साथ ही में नीचे आपको बोटल होल्डर मिल जाता है, फ्यूल लिट ओपनर मिल जाता है ये, और मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। और जो टच एंड फील ऑफ मटेरियल है वो भाई काफ़ी टॉप नोच है, काफ़ी बढ़िया यूज़ कर रखा है इसमें। यहाँ पर आपको भाई इल्यूमिनेटेड स्किड प्लेट मिल जाती है कंपनी फिटेड आपको चारों ही डोर्स पर। यहाँ पर आपको भाई मिल जाते हैं 12 वे एडजस्टेबल पावर सीट मिल जाती हैं। ये तो बात होगी ड्राइवर सीट की, बात करें पैसेंजर सीट की, वो भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाती है, वो आपको 8 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। आपको ड्राइवर साइड जो सीट है वो आपको वेंटिलेटेड मिल जाती है, मसाज फंक्शन मिल जाता है इसमें, मेमोरी फंक्शन मिल जाता है। और बात करें पैसेंजर साइड की तो उसमें आपको सिर्फ हीटेड फंक्शन देखने को मिलेगा और 8 वे एडजस्टेबल मिलती है। यहाँ से आप अपना लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हो। ये आपको भी काफ़ी यूजफुल फीचर लगा लॉन्ग ड्राइव्स पर, आपको काफ़ी हेल्प करता है। जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पर फूलता हुआ जा रहा है, ये आप इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। और मैं भाई बात करूँ काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन आपको अटेन कर सकते हो इस गाड़ी में, और जो आपको वही हाईवेज पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कितना ही लंबा इसको चला सकते हो। और जो भाई क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ सीट्स की, काफ़ी बढ़िया है, वो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो वीडियो में देखकर। बात करो स्पेशल फीचर की तो इसमें आपको भाई मसाजिंग फंक्शन भी मिल जाता है ड्राइवर साइड सीट पर, जो कि आप ऑपरेट कर सकते हो इस बटन से। इसको दबाकर आप इसकी इंटेंसिटी को हाई लो कर सकते हो, और इसको ऑन ऑफ भी इसी बटन से आपको सारे फंक्शन ये ऑपरेट हो जाएंगे। इसमें आपको सिल्वर सेटिन फिनिश काफी जगह यूज होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पर आपको ORVM से कंट्रोल मिल जाते हैं नीचे, और यहाँ पर ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। यहाँ पर आपको छोटी सी स्पेसिंग मिल जाती है, नीचे से आप अपना हुड ओपन कर सकते हो इस लीवर को खींचकर। बात करें ब्रेक पैडल्स की तो ब्रेक पैडल्स में काफी छोटा देखने को मिलता है। नॉर्मली जो ऑटोमेटिक गाड़ियों में काफी ब्रॉड ब्रेक पैडल देखने को मिलता है, ये मैनुअल गाड़ी में ज्यादातर आपको ब्रेक ऐसा देखने को मिलता है। इसमें आपको भाई डेड पैडल भी देखने को मिल जाता है। बात करें स्टेयरिंग व्हील की, यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। और बात करो पूरे ओवरऑल डैशबोर्ड की, आपको BMW से इंस्पायर्ड होता हुआ दिखाई देगा, कुछ कुछ जो की एलिमेंट्स है वहां से थोड़े आपको रिजेंबल होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको भाई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बटन देखने को मिल जाते हैं, इनको आप ऊपर नीचे ऑपरेट कर सकते हो, टच सेंसिटिव बटन नहीं है ये। क्रूज कंट्रोल के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको अडेप्टिव स्मार्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है, उसके एडजस्टमेंट के सेट के बटन हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील है, सिल्वर सेटिन फिनिश यूज होती हुई दिखेगी, ग्लोसी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिल जाएंगे, और इसी के नीचे आपको भाई इमरजेंसी बटन मिलता है जिसके आप डायरेक्ट बटन दबाने से कस्टमर केयर पर बात कर सकते हो MG के। बाई चांस आप कहीं इमरजेंसी में फंस जाओ तो आप उस बटन का यूज कर सकते हो, और कॉल सेंटर से बात करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। बात करें MID, यहाँ पर आपको डिजिटल मिल जाती है, स्पीडोमीटर एनालॉग और टैकोमीटर, बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें। बैटरी की रेंज, फ्यूल की रेंज, एवरेज इकोनॉमी और डिजिटल स्पीड मिल जाती है इसमें देखने को, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, काफी सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। और पर्सनली मेरे को इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो सेगमेंट बेस्ट लगा, जो फीचर्स हैं इसमें और कोई गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती है। यहाँ पर आपको भाई ऊपर लेदर फिनिश देखने को मिल जाते हैं स्टिचिंग के साथ, और भाई जो फिट एंड फिनिश है काफी बढ़िया लगी मेरे को। ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट यूज कर रखा है इंटीरियर्स में वो मेरे को काफी बढ़िया लगा। बात करें ग्लव बॉक्स की तो यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, बटन प्रेस करते ही अपने आप खुल जाएगा। स्पेसिंग की बात करो तो काफी छोटा सा स्पेस देखने को इसमें मिलता है, यहाँ पर फर्स्ट एड देखने को मिल जाएगा, और लैंप की प्लेसमेंट नहीं है, ना ही इसमें आपको AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, तो एक मेरे को डाउन साइड लगा। बात करो यहाँ पर तो आपको पैसेंजर साइड पर मिरर देखने को मिल जाता है, साथ में ही आपको लाइट भी मिल जाती है येलो कलर की। बीच में यहाँ LED लाइट्स मिल जाते हैं जिनको आप दबाकर ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर सनरूफ के कंट्रोल्स और ब्लाइंड के कंट्रोल मिल जाते हैं, बूट लिट ओपनिंग के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ ड्राइवर साइड भी आपको मिरर देखने को मिल जाता है, साथ ही में लाइट की प्लेसमेंट भी मिल जाएगी। बात करें अगर सनरूफ की, तो यहाँ से आप इसके ब्लाइंड्स खोल सकते हो और सनरूफ को भी। बटन प्रेस करते ही आपके ब्लाइंड्स खुल जाएंगे, वन टच ऑपरेशन है, पूरे ब्लाइंड्स आपके एंड तक खुल जाते हैं और वन गो में खुल जाएंगे। ये नहीं आपके दो पार्ट्स में खुलता है ये। हम आपको सनरूफ भी खोल के दिखा देता हूँ, वो भी आपको वन टच ऑपरेशन से खुल जाता है। काफी बड़े साइज का आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, इसमें दो बंदे आराम से इसमें निकल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से व्यू। तो यार सनरूफ काफी बढ़िया लगता है, एक लग्जरी टच मिल जाता है। यहाँ पर बीच में आपको ऑटोमेटिक IRVMs भी मिल जाते हैं, जो कि नाइट विजिबिलिटी में काफी हेल्प करते हैं। बात करें टच स्क्रीन की, तो यहाँ पर आपको भाई काफी सारे फंक्शन इसमें देखने को मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB और सारे कनेक्टेड कार फीचर्स। बात करूँ अगर टच स्क्रीन के साइज की है, इसमें आपको काफी परफेक्ट साइज देखने को मिल जाता है, ना ही ज्यादा बड़ा है ना ही ज्यादा छोटा। इस बटन से आप पूरे होम स्क्रीन पर आ जाओगे। बात करूँ टच रिस्पॉन्स की, तो इसमें आपको काफी रिस्पॉन्सिव टच देखने को मिलेगा और काफी फ्लूइड टच है। और जो स्पीकर्स की आउटपुट है वो भी मेरे को काफी बढ़िया लगी। बात करो अगर इसमें सेटिंग्स की, तो इसमें आपको काफी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं, लॉक की, अनलॉकिंग की, सनरूफ की, एम्बिएंट लाइट की, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है इसमें, रियर कैमरा व्यू मिल जाता है, तो 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, काफी सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसमें। आप अपने हिसाब से एम्बिएंट लाइट भी लगा सकते हो और नाइट विजिबिलिटी में भाई काफी बढ़िया लगता है इसका इंटीरियर। मैं आपको नाइट व्यू हो सका तो आपको दिखा दूंगा किसी दिन, फिर जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेने आएंगे, और आप अपने व्यूज भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब मैं आपको 360 डिग्री कैमरा का व्यू दिखाता हूँ। ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, ये बर्ड आई व्यू मिल जाएगा, जो कि आपको भाई काफी हेल्प करता है पार्किंग में, और एक काफी टाइट पार्किंग में भी हेल्प करता है और ट्रैफिक में भी हेल्प करता है ये। और जैसा मैंने बताया इसमें वॉइस कमांड भी मिल जाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। AMG क्लोज सनरूफ, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, और इसके जो डिस्प्ले है वो आपको टच स्क्रीन में ही देखने को मिल जाता है। इसके नीचे आपको स्पेसिंग देखने को मिल जाती है, जिसे आप प्रेस करोगे तो अपने आप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको स्मार्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई और एक USB भी मिल जाता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाती है, सिल्वर की सेटिन फिनिश, जैसा मैंने बताया हर जगह आपको यूज होती हुई दिखेगी। गियर लीवर काफी बढ़िया लगा मेरे को, BMW इंस्पायर्ड। यहाँ पर आपको काफी सारे मोड मिल जाते हैं, ऑटो पार्किंग बटन, स्टार्ट स्टॉप बटन, डिफरेंशियल लॉक, हिल डिसेंट कंट्रोल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे फंक्शंस के बटन देखने को मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पर आपको भाई वेंटिलेटेड सीट्स के, हीटेड सीट्स के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाता है, जिसका डिस्प्ले आपको इंस्ट्रूमेंटल क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है, और काफी सारे यहाँ पर ड्राइविंग बोर्ड भी मिल जाते हैं, जैसे मड मोड, स्नो मोड, सैड मोड, स्पोर्ट्स मोड, और कुछ ऐसी कीस में देखने को मिल जाते हैं। की मेरे को थोड़ी नॉर्मल देखने को लगी। और यहाँ पर आपको भाई कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, आर्मरेस्ट मिल जाता है, और इसको आपको टू वे ओपन होता है, ये बटन प्रेस करते ही अपने आप ओपन हो जाएगा। स्पेसिंग काफी बढ़िया है, पर यहाँ पर आपको कोई कूलिंग का फंक्शन नहीं मिलता, ना ही कोई लैंप देखने को मिलता है यहाँ पर। और जो आर्मरेस्ट पर, यहाँ पर आपको भाई सॉफ्ट प्लास्टिक यूज होता हुआ दिख जाएगा। बात करें अगर रियर सीट स्पेसिंग की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे चलकर। तो बात करके रियर डोर्स की, तो यहाँ पर भी आपको ड्यूल टोन कलर की फिनिश देखने को मिल जाएगी, लेदर का यूज होता हुआ दिख जाएगा, कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। स्पीकर्स की प्लेसमेंट, ट्विटर्स की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड स्किड प्लेट्स मिल जाती है, यहाँ से आप अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, और इसके रिक्लाइन को भी एडजस्ट कर सकते हो। ये सीट आपकी बिल्कुल आगे भी हो सकती है। और बात करें अगर कुशनिंग की, वो भी काफी बढ़िया लगी मेरे को, और अंडर थाई सपोर्ट वगैरह ओवरऑल काफी परफेक्ट है। डोर्स पर यहाँ पर सनब्लाइंड देखने को नहीं मिलता है। बात करूँ रिलैक्स फेस की, वो भी आपको काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है इसमें, और यहाँ पर भी को पैसेंजर पर भी आप देख सकते हो। बीच में आपको जो फ्लोर पैनल है, काफी पूरा फ्लैट देखने को मिलता है, ओवरऑल पूरा फ्लैट है ये। यहाँ पर आपको बीच में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, नीचे आपको भाई पावर आउटलेट मिल जाती है, और USB भी काफी क्लेवरली प्लेस कर रखी है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाती है, और दूसरी साइड पर आपको भाई कप होल्डर्स मिल जाते हैं, इसको प्रेस करते ही कप होल्डर खुल जाएंगे। ये भी काफी बढ़िया लगा मेरे को। दोनों ही सीट पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, और आप इनको फोल्ड भी कर सकते हो। पीछे जाने का सिर्फ एक ही मेथड है, जो बीच में से, और कोई इसमें टम्बल डाउन सीट्स देखने को नहीं मिलती है।
पीछे आप यहीं से ही जा सकते हो बीच में, जो कि थोड़ा बहुत मुश्किल होता है जाने में अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो। मेरे को थोड़ी दिक्कत आती है पीछे जाने में, देखते हैं आपको थर्ड रो में कितना स्पेस मिल जाता है। बात करें अगर स्पेसिंग की, यहाँ पर आपको लेग स्पेस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। को पैसेंजर पर आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में कप होल्डर्स मिल जाते हैं, दोनों ही साइड्स पर आपको मैनुअल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर भी कप होल्डर और पावर आउटलेट भी मिल जाता है 12 वोल्ट की। तो ओवरऑल ठीक लगा मेरे को, थर्ड रो का स्पेसिंग काफ़ी बढ़िया लगा ओवरऑल। 3 बंदे इसमें बैठ सकते हैं अगर आपको शॉर्ट जर्नी पर जाना है, और लॉन्ग जर्नी पर तो आप यार परेशान हो जाओगे, 3 बच्चे ही बैठ सकते हैं। और ओवरऑल यहाँ पर आपको एक परफेक्ट 6 सीटर गाड़ी मिल जाती है। बीच में यहाँ पर आपको एलईडी लाइट देखने को मिल जाती है, पीछे आपको एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने बताया आपको 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, तो आपको कूलिंग की कोई दिक्कत नहीं होगी थर्ड रो में भी। बात करें इसमें बूट स्पेस की, तो इसमें आपको मिल जाता है 343 लीटर का बूट स्पेस, जहाँ पर आपको भाई मैंने जैसे बताया पावर बूट लिड देखने को मिल जाता है, बटन प्रेस करते ही अपने आप खुल जाएगा, की से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो और अंदर से भी। यहाँ पर आपको भाई सबसे ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है सेगमेंट में, 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाएंगी, और इसमें आपको काफ़ी सारे हुक्स भी देखने को मिल जाएंगे और लाइट भी मिल जाती है। यहाँ पर आपको टूल बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ब्लाइंड मिल जाता है ये, जिसमें आप सामान रख के इसके ऊपर अटैच कर सकते हो थर्ड रो अप होने के बाद भी। जैसे मैं आपको 60-40 स्प्लिट सीट का फंक्शन दिखा देता हूँ, एक बार ये हेडरेस्ट बंद कर देता हूँ, जैसे आप इसको पुल करोगे और इसको थोड़ा पुश करोगे तो ये अपने आप नीचे बेंड हो जाती है। मैं आपको दूसरी भी करके दिखा देता हूं, तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ऑलमोस्ट आपको फ्लैट सरफेस मिल जाता है यहाँ पर, और बूट तो आपको काफी बड़ा मिल जाता है जब आपको अगर इसको 4 सीटर के हिसाब से यूज करना है और आपके पास लगेज ज्यादा है। स्पेयर व्हील हम बता चुके आपको नीचे देखने को मिल जाता है। अब बूट को बंद कर देते हैं, यहाँ से आप बटन प्रेस करते ही ये बूट अपने आप बंद हो जाता है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ भाई इंजन के बारे में। हुड को आप अंदर से खोल सकते हो, जैसे आप यहाँ से इसको खोलोगे तो इसमें आपको हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया फीचर लगा मेरे को इसमें ये। बात करें अगर इंजन की, तो इसमें आपको 1996 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। ट्विन टर्बो डीजल इंजन है ये, जो कि पावर जनरेट करता है 215 cc की और टॉर्क जनरेट करता है 480 Nm का। इसमें आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स देखने को मिल जाता है। 4-व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, और भाई ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया, आप देख ही सकते हो वीडियो में, जो आपको पूरा जो इंजन बे है काफ़ी बढ़िया लगता है। तो भाई अगर आप ग्लोस्टर चला रहे हो तो आप अपने रिव्यूज़ भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमें इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, और जो आपको भाई वीडियो में कोई कमी लग रही हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, शेयर करा करो, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके बाद काफ़ी सारी वीडियो आने वाली हैं, ग्लोस्टर पे एक डिटेल्ड फीचर वीडियो आएगी जो कि इसका एडेस फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देंगे। इसमें आपको टेस्ट ड्राइव वीडियो भी देखने को मिल जाएगी, तो आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया हो। Thanks for watching.